हम लोग आज पहला टॉपिक एक संसद के बारे में सामान्य परिचय के रूप में देखेंगे कि संसद है क्या। ये जो आप देख रहे हैं ये वर्तमान संसद की तस्वीर है, लेकिन सवाल यह है कि ये संसद के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक सामान्य परिचय देता है। तो प्राइमरी चीज जान लीजिए कि संसद के अंदर तीन हाउस होता है, एक्चुअली बेसिकली हाउस दो ही हैं, इसमें एक का नाम है राज्यसभा, ये हाउस है, एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राष्ट्रपति। ये तीनों को मिलाकर के हम लोग संसद बोलते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। सबसे बड़ी बात कि जो संसदीय प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली लिया कहाँ से गया है, तो संसदीय प्रणाली ये लिया गया है ब्रिटेन से। ये प्रणाली संसदीय प्रणाली कहाँ से है, तो ब्रिटेन से। तो सवाल ये है कि संसदीय प्रणाली भारत ने क्यों लिया। सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि भारत पर अंग्रेजों ने लंबे अरसे तक शासन किया, तो उस लोगों ने शासन के जिस फॉर्मेट को भारत में गठित किया था, उन लोगों के जाने के बाद भारतीयों ने जो अपने लिए अपना संविधान बनाया, उस लोगों ने ब्रिटेन के ही संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा। हालांकि बात संसद की करेंगे तो ये शब्दावली फ्रेंच है। शब्द क्या है, ये फ्रेंच है, मतलब फ्रांसीसी भाषा है, फ्रेंच शब्द है। तीसरी चीज कि संसदीय प्रणाली में होता क्या है। एक बात मैं बतला दूं कि ब्रिटेन में राजा रानी है या नहीं। ब्रिटेन में जो राजा रानी होता है वो देश का पहला व्यक्ति होता है, वो राष्ट्र को लीड करता है, वो राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो वास्तविक शक्ति वहाँ के प्रधानमंत्री के पास होता है जो लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो भारत में जब उसी मॉडल को अपनाया तो ध्यान रखिएगा राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, तो राष्ट्र के साथ अध्यक्ष जोड़ दीजिए तो ये क्या कहला गए, राष्ट्राध्यक्ष। और लोक जो प्रधानमंत्री होगा, जो पीएम होंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे, वो शासन के सुप्रीमो हैं, वो कहलाएंगे शासनाध्यक्ष। क्या कहलाएंगे, शासनाध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्राध्यक्ष मतलब कहने भर के लिए, राष्ट्र का प्रमुख मतलब प्रशासनिक पावर नहीं होगा, देश का पहला व्यक्ति होगा, मतलब दो प्रधान हैं भारत में, एक औपचारिक प्रधान एक वास्तविक प्रधान। तो औपचारिक प्रधान आ गया राष्ट्रपति के पास और वास्तविक शक्ति आ जाती है प्रधानमंत्री के पास। ये ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली की विशेषता है। तो संसद के अंदर तीन हाउस हो गया, राज्यसभा लोकसभा। तो इसमें कुल कितने सदन हुए, तो इसमें दो सदन हुआ, सदन मतलब घर, एक को बोले राज्यसभा एक को बोले लोकसभा। राष्ट्रपति अपने आप में अकेला एक पार्ट है संसद का। तो संसद के अंदर तीन पार्ट हुए और उस पार्ट में दो हाउस हुआ, एक राज्यसभा एक लोकसभा। राष्ट्र का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। दूसरी चीज कि ये टोटल जो आप देखते हैं दो सदन हो गया, इसको ब्रिटेन में लोग क्या बोलता है, तो लोकसभा को बोलता है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन मतलब ये सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली निकाय है, जन साधारण लोगों के द्वारा चुने गए लोगों का समूह है वो, इसलिए कहलाया लोकसभा। लोक का मतलब क्या होता है, आम जनता, उन लोगों के द्वारा चुने गए लोगों की सभा है लोकसभा। और ये है राज्यसभा। ये राज्यसभा को ब्रिटेन में क्या बोलते हैं, तो ब्रिटेन में इसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स।
समाज के बुद्धिजीवी लोगों का ये समूह है। अब कहिएगा कि भारत में बुद्धिजीवी लोगों को कौन चुनता है? यारा, हम लोग एमएलए को चुनते हैं राज्यों के लिए, और वो एमएलए चुनता है किसको? राज्यसभा के सदस्यों को। मतलब राज्यसभा वाला में कभी कोई हम लोग वोट दिए नहीं है, हम लोग दे भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसको कौन चुनता है? एमएलए लोग। तो चुने हुए लोगों के द्वारा चुना हुआ है। आम जनता गलती कर सकती है, बेवकूफ़ी कर सकता है, वो दारू पी के वो के लेने के आड़ पे मुर्गा के नाम पर हो सकता है वोट दे दे, लेकिन जो लोग चुन के गए हैं वो प्रखर हैं, उन लोग कोई गलती नहीं करेगा। तो ये बेहतरीन सभा है, माना जाता है, और इसमें कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है। तो इस टॉपिक पर हम लोग बाद में जाएंगे, अभी हम लोगों को खाली जानना है संसद क्या है। अब कहोगे कि सर संसद का भवन कौन बनाया है? तो इसको बनाया है लुटियंस ने। किसने बनाया है? लुटियंस ने। लुटियंस कौन थे? तो लुटियंस इसके आर्किटेक्ट थे, शिल्पकार थे लुटियंस। इसीलिए ने बोलते हैं कि लुटियंस जोन है, क्योंकि संपूर्ण भारत की शासन सत्ता का जो मेन केंद्र बिंदु है, जो बनाने वाले लोग थे, ये तो अभी का है, पुराना की मैं बात कर रहा हूँ, वो लुटियंस उसका शिल्पकार था। उसका इंजीनियर का नाम था किलिंग, इंजीनियर का नाम है किलिंग, इंजीनियर का नाम है किलिंग। इस इंजीनियर किलिंग ने, शिल्पकार लुटियंस ने, और उसका ठेकेदार हारून अल रशीद, ठेकेदार का नाम क्या है? हारून अल रशीद, ये ठेकेदार है। जिस हारून अल रशीद ने तमाम बिल्डिंग को बनाने का काम किया। तो हम लोगों ने संसद में ये देखा। अब संसद में एक बात आता है कि हमारी संसद प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। देश का इंटरनल मामला हो, देश का एक्सटर्नल मामला हो, इस मामले में कोई बाह्य शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वो कहलाएगा संपूर्ण प्रभुत्व। तो गाने के टोन में आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। मतलब देश इंटरनल मामले में, देश एक्सटर्नल मामले में किसके साथ क्या संधि है, क्या समझौता है, क्या वार्ता है, इन तमाम पहलुओं को करने में, मानने में राष्ट्र स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा। इसके लिए किसी के पास हाथ पांव नहीं फैलाएगा। ये भारत की, ये संसद की संप्रभुता है। तो संसद में आपको इतनी बातें आ गई कि आर्टिकल 79 है, संसद के अंदर दो सदन है, संसद के पार्ट में राष्ट्रपति है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया गया शब्द, ये फ्रांसीसी है, फ्रेंच शब्द है, राष्ट्रपति राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हो गया, प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष हो गया। अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा को क्या पावर है? राज्यसभा को क्या पावर है? राज्यसभा को कौन चलाता है? लोकसभा को कौन चलाता है? सरकार कौन बनाएगा? सरकार में कौन होगा? इन तमाम चीज़ों को हम लोग तोड़ेंगे। इसी को अगर लेंदी कर देंगे तो फिर आपको भी दिक्कत होगा और हमें भी समझाने में दिक्कत होगा, फिर लेंदी लगने लगेगा। तो संसद पर इतनी बातें आपके सामने आ गया। दूसरी चीज, संप्रभुता का मतलब समझ में आ गया। तो संप्रभुता चूंकि एक आजाद मुल्क है यारा, हम अपना निर्णय अपने लेने में सक्षम हूं, मैं अमेरिका को क्यों खुशामद करूं, मैं ब्रिटेन से क्यों कुछ पूछ के करूं। किसी राष्ट्र से समझौता वार्ता करना है तो राष्ट्र स्वतंत्र है। और ध्यान रखिए, मान लिया जाए अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये अमेरिका को गए और अमेरिका को इसमें एक संधि पैकेजिंग साइन किए कि आप आइए मेरे यहाँ, हम तमिलनाडु में आपको फैक्ट्री खोलने देते हैं। तो ध्यान रखिए, कोई भी विदेशी समझौता होता है, ये संसद को एक्स्ट्रा पावर है। भले तमिलनाडु में दूसरी पार्टी की सरकार है, झारखंड में विरोधी पार्टी की सरकार है, तमिलनाडु में भी विरोधी पार्टी की सरकार है, अगर कह देंगे कि हमने तमिलनाडु में, तो राज्य उस विदेशी कंपनी को जिसके लिए वो निवेश किया है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निवेश करवाया है, देने से इनकार नहीं कर सकता। ये संसद की पावर है। हाँ, बहुत कंडीशन ऐसा होगा कि केंद्र की योजनाएं हैं,
राज्य लागू कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, राज्य की मर्जी। लेकिन जहां बात विदेशी समझौते और वार्ता की बात आती है, कोई भी राज्य सरकारों को औकात नहीं है कि वो ये कह दे कि हम ये निवेश यहाँ नहीं होने देंगे। अगर विदेशी समझौता हुआ हो तो राज्य के अंदर कोई टाटा कंपनी को कि बोल बंगाल में नहीं घुसने दिया तो गुजरात चला गया, या राज्य के मामले में हो सकता है, उसका अपना कंपनी का निवेश हो सकता है, लेकिन विदेशी समझौता वार्ता में ये बातें लागू नहीं हो सकती। तो ये पावर है संसद को, ये मीनिंग है संप्रभुता का, ये मीनिंग है संसद को। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से अपनी विचारधारा को लिखेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे खातिर एक बार निश्चित रूप से करेंगे। जय हिंद, जय भारत।